ऑनलाइन गाइडेंस से ही पास कर दिया आईएएस एग्जाम, बिना किसी कोचिंग के ही घर पर पूरी तैयारी कर पाया बार बार रैंक। जब जज्बा हो और कुछ करने की चाह तो कोई रास्ता रोक नहीं सकता, ऐसा ही कर दिखाया कुरुक्षेत्र की तेजस्वी राणा। कुरुक्षेत्र की तेजस्वी राणा ने घर पर ही तैयारी कर बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों का आईना दिखा दिया, वहीं स्वयं को भी साबित कर दिखाया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर माता पिता की संतान तेजस्वी ने न केवल आईएएस को पास किया बल्कि बार बार रैंक हासिल कर प्रदेश में रैंक में भी कईयों को पीछे छोड़ दिया। तेजस्वी ने बताया कि उसने घर पर ही माता पिता की गाइडेंस से तैयारी की, इसके अलावा ऑनलाइन गाइडेंस से भी काफी कुछ तैयारी की। तेजस्वी प्रशासनिक सेवा में ही जाना चाहती थी, यह निर्णय उसने अपने माता पिता के कहने पर या कोई सलाह लेने पर नहीं लिया बल्कि उसका स्वयं का निर्णय था। कुरुक्षेत्र के डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से स्कूलिंग पूरी कर तेजस्वी बीएस इकोनॉमिक्स करने के लिए आईआईटी कानपुर चली गई। तेजस्वी ने बताया कि वही कॉलेज में कई बार कार्यक्रम में आईएएस अधिकारी आते थे तो उनकी बातें और निर्णय लेने की क्षमता ने मुझे यह निर्णय लेने को मजबूर कर दिया कि वह आईएएस की तैयारी जरूर करेगी। वर्ष 2015 में एक बार परीक्षा देकर भी देखी थी लेकिन उस समय इतनी तैयारी नहीं कर पाई थी, दोबारा घर पर ही तैयारी की और इस बार परीक्षा का परिणाम सामने आ गया। तेजस्वी के पिता प्रोफेसर कुलदीप राणा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं और माता डॉक्टर सुनीता राणा यूनिवर्सिटी कॉलेज में कॉमर्स की प्रोफेसर हैं। जी क्या बताएंगे जो अपने यूपीएससी की परीक्षा में आपने किस तरह मेहनत करी? मैंने मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है और मैंने घर पर ही रहकर प्रिपरेशन की, सेल्फ स्टडी ही किया मैंने, ऑनलाइन सोर्सेज से हेल्प मिला मुझे और पेरेंट्स का सपोर्ट था पूरा, घर पर थी और बस सेल्फ स्टडी की वजह से मैंने प्रिपेयर किया पूरा सिलेबस। तो पहले हरियाणा में बेटियों की संख्या कम थी और जो अब संख्या धीरे बढ़ रही है तो इसके बारे में देखिए ये बहुत ही चिंताजनक विषय था कि इतनी हरियाणा इतनी डेवलप स्टेट है और उसके बाद भी हमारे यहाँ इतनी कम रेशियो थी, लेकिन मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की और उसके जो रिजल्ट्स थे वो एक साल में ही दिखने लगे, समझ आता है कि किस एंथुजियाज़म से स्कीम इम्प्लीमेंट की गई होगी। तो आई एम डेफिनेटली पॉजिटिव कि आगे ये जो डिफरेंस है डिस्पैरिटी है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। डेफिनेटली उनको जाता है, आई थिंक उनका ब्रेन चाइल्ड है, उनका इनिशिएटिव है, पॉलिटिकल कैपिटल इतना इन्वेस्ट हुआ है स्कीम में जिसकी वजह से सोशल चेंजेस आए हैं, तो डेफिनेटली पॉलिटिकल लीडर्स स्पेशली नरेंद्र मोदी को बहुत इसका जाता है श्रेय। उसके बारे में पहले तो मैं कहूँगी कि दिस इज़ माई हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ और बच्ची ने इतनी मेहनत की है, सारा का सारा क्रेडिट 100% बच्ची को जाता है और ऑलराउंडर बच्ची है ये, इसने सारा अपने आप मैनेज किया है। अभी तो सेलिब्रेशन हो ही रही है, आप लोग आ रहे हैं, फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं, सो अपने आप ही हो रही है सेलिब्रेशन। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गुड़िया ने अपनी लाइफ का जो एम बनाया उसको बिल्कुल सही समय पे अचीव कर लिया और किसी भी माता पिता के लिए ये एक हर्ष का विषय है। रही बात उसके काम करने की तरीके की, मैं दो बातें कह सकता हूँ कि एक तो उसकी आदत में शामिल है कि वो अपने एक तरफ रिसोर्सेज जो हैं और दूसरी तरफ जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं दोनों को पहचान के चलती है, यानी कि उसके पास कितना टाइम है और कितने टाइम में उसको कितना काम करना है उसको वो काम को डिवाइड करके चलती है, टाइम टेबल बना के चलती है और उस टाइम टेबल को हिलने नहीं देती। ये उसकी जो सफलता का एक राज है और दूसरा उसका हम कह सकते हैं कि वो जो टाइम टेबल बनाया उसमें कंसिस्टेंटली रेगुलरिटी मेंटेन करती है।